गाइस, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद अमन कुलमी। आज हम लाए हैं शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की कार्य पुस्तक नंबर 96 जो कि क्लास 9 के लिए है। विषय आपका गणित है। डेट है इसकी 23 फरवरी 2022। आप अपना नाम और अपनी कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। आज हम अपना चैप्टर रचनाएं जिसमें हम कार्य पुस्तक नंबर 71 और 72 को कंटिन्यू करेंगे। आपको क्वेश्चंस दे रखे हैं, तीन क्वेश्चन दे रखे हैं। सबसे पहले आपको 9.5 सेंटीमीटर की एक रेखाखंड खींचना है और उसका लंब समद्विभाजक करना है। तो सबसे पहले इसे करते हैं। तो आप स्केल से 9.5 सेंटीमीटर की एक लाइन खींचेंगे, ए और बी मार्क कर देंगे। फिर आधे से ज़्यादा खोलेंगे, लगभग यहाँ तक स्केल को खोलें, अपने जो प्रकार है उसे खोलेंगे। यहाँ तक खोला और यहाँ एक आर्क लगा दिए, एक यहाँ आर्क लगा दी। फिर इस तरफ पॉइंट रखा, यहाँ तक खुली हुई थी, एक यहाँ आर्क लगा दी, एक यहाँ आर्क लगा दी। ये जो आर्क लगी, सॉरी, इन दोनों पॉइंट को जोड़ दिया। तो ये जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री का बनेगा, यही आपका लंब समद्विभाजक कहलाएगा। तो आप इसे बना लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है आपको, 4.5 सेंटीमीटर भुजा वाला एक समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज क्या होता है? जिसको तीनों साइड बराबर होती है। तो यानी आपको स्केल से 4.5 सेंटीमीटर लेना है और उतना ही आपके प्रकार को भी खोलना है, एड आर्क लगा रही है, ये आपका बच जाएगा। तो इसे भी करते हैं। तो ये आपको बी और सी, इसे नाम दे देंगे बी सी। 4.5 सेंटीमीटर स्केल से नाप के खींचनी है। देन आपको क्या करना है, उतना ही अपने प्रकार को भी खोलना है। 4.5 सेंटीमीटर एक आर्क यहाँ इस पॉइंट से लगानी है, फिर इस पॉइंट पे जाएंगे, एक आर्क यहाँ से लगेगी। इन दोनों पॉइंट को इससे जोड़ देंगे, ये भी आपका 4.5 होगा, ये भी आपका 4.5 होगा, और इस पॉइंट का नाम ए रख देंगे। तो ये आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल ड्रॉ हो जाएगा, समबाहु त्रिभुज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपको निम्नलिखित कोणों की रचना करनी है, एक तो 45 डिग्री का और 150 डिग्री का। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, इसे भी करते हैं। सबसे पहले क्या करना है, एक लाइन खींचनी है, ऐसे एंगल बना देना है। अब जितना खोला था हमने उतना ही पे एक आर्क यहाँ लगा देनी है, फिर एक आर्क यहाँ लगा देनी है। इन दोनों आर्क से 90 डिग्री का एंगल बना देना है, वो भी आपको आता ही है। एक आर्क यहाँ बना देनी और 90 डिग्री, फिर यहाँ पर पॉइंट रखेंगे इस प्रकार का और यहाँ पर पॉइंट रखेंगे। एक आर्क यहाँ से लगाएंगे, एक आर्क यहाँ से लगाएंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे, ये आपका 45 डिग्री का एंगल बन जाएगा। ये जो इतना एंगल है 45 डिग्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है 150 डिग्री का एंगल। तो 150 डिग्री का सबसे पहले आपको पूरा एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर लेना है। जितनी आर्क का सेमी सर्कल ड्रॉ करा था उतने पे ही आर्क लगानी है। यहाँ पे आर्क लगाएंगे, फिर यहाँ आर्क लगाएंगे, तो ये तो आपका 120 बन जाएगा, और इससे इससे आपका 90 भी बन जाएगा, इसको और इससे मिला के। तो आपका 90 और 120 तो बन गया। अब आपको पता है, सॉरी, 90 और 120 और 120 और 150, 90 और 120 में 30 डिग्री एंगल का डिफरेंस होता है, और 120 और 150 में भी 30 डिग्री एंगल का डिफरेंस होता है। तो 90 और 120 में यानी 30 डिग्री एंगल होगा, ये इतना 30 डिग्री ही होगा। इस पर पॉइंट रखेंगे, इस पर पॉइंट रखेंगे, और यही पॉइंट अब आपको इतना मेजर कर लेना है, और ये पॉइंट यहाँ पर रखना है, और आर फिर यहाँ पर पॉइंट रख के एक आर्क लगा देनी है। ये आपका जो एंगल बनेगा वो 150 डिग्री का एंगल बनेगा। तो आप इसे मेजर भी कर सकते हैं प्रकार प्रोट्रैक्टर से, डी से। तो ये आपका 150 एंगल बनेगा, तो आप इसे कर लेंगे। ये थी आपकी आज की वर्कशीट। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग यू, बाय बाय गाइस।